بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر معزز سامعین عید کے موقع پر عرض کیا گیا تھا کہ ذوالحج تاریخ کے اعتبار سے سن کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اس مہینے میں جہاں حج اور قربانی اسلام کے اہم فرائض ادا ہوئے ہیں یہ مہینہ ہمیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے وہاں اس ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی لہذا آج کی اس نشست میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں گے میں اپنی بات کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا سے شروع کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد جب غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا آقا یہ جو بادشاہ لوگ ہیں مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے لہذا آپ خطوط بھیجنے کے لیے ایک مہر بنوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنوائی اس کو اپنی انگوٹھی میں لگوایا اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا اس سے صحابہ کرام میں بادشاہوں کا معمول بن گیا کہ وہ اپنی انگوٹھی میں مہر بنواتے اور اس پر کوئی چیز لکھتے چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مہریں بنوائی
सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मोहर बनवाई। उस मोहर पे आपने एक दुआया कलीमा लिखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि सैयदना उस्मान गनी की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था, तो आपने फरमाया कि उनकी अंगूठी पर लिखा हुआ था, अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदन व अमितनी शहीदा। या अल्लाह मुझे जिंदगी सआदत वाली नसीब फरमा और मौत शहादत वाली नसीब फरमा। जब हम इस जुमले को पढ़ते हैं और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दुआएं भी दुनिया में होती हैं, वो कबूल भी होती हैं, मगर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ भी अजीब है और इसकी कबूलियत भी अजीब। लिहाजा आज की गुफ्तगू हम इस दुआ पर ही चलाएंगे। किसी इंसान की सबसे पहली और बड़ी सआदत ये होती है कि वो किसी बड़े खानदान में पैदा हो, उस खानदान की वजह से उसको इज्जत और इकराम की निगाह से देखा जाए। चुनांचे इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत और इकराम वाला खानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह पहली सआदत हासिल हुई कि आप सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवीं कुश्त में दादा एक। पहली सआदत आपको ये हासिल है कि आप बड़े खानदान में से हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खानदान की तारीफ फरमाई और यहां तक फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पाक पुश्तों से पाक पुश्तों में मुंतकिल किया। तो पहली सआदत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह हासिल हुई के वालिद की तरफ से आप पांचवीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार। जिस तरह आप वालिद की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, इसी तरह आप वालदा की तरफ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी रिश्तेदार। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नानी हैं, उम्मे हुकैम उनका नाम है, उम्मुल हकीम भी पढ़ा गया। उम्मुल हकीम जो हैं ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नानी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालदे गिरामी हैं हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला ये उनकी सगी बहन हैं, बल्कि सिर्फ सगी बहन नहीं, ये और हज़रत अब्दुल्ला इकट्ठे पैदा हुए। तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला हो ननियाल में से भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार हैं और दुदियाल में से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार। इस जुमले पर हम अपनी गुफ्तगू चलाना चाह रहे हैं, अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदा, कि अल्लाह मुझे नेक बख्तों में जिंदा रख। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तीसरी सआदत। किसी इंसान की खानदान के बाद बड़ी सआदत यह होती है कि उसका रिश्ता किसी अच्छे खानदान में हो जाए। लोग फिर जिक्र किया करते हैं कि फुला आदमी को फुला बुजुर्ग ने, फुला बादशाह ने, फुला डॉक्टर ने, फुला साहिब ने अपनी बेटी दी।
ये भी किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। ये तीसरी सआदत भी सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। तो किसी बड़े खानदान में रिश्ता हो जाना यह भी बड़ी सआदत का बाइस हुआ करता है। तो यह सआदत भी आपको हासिल हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर आपका रिश्ता हुआ। और जरा तवज्जो से बात समझेंगे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मी खानदान में से मुसलमान होने वाले पहले आदमी हैं। बहुत तवज्जो से देखिए, उम्मी खानदान खानदान बनू उमैया में से मुसलमान होने वालों में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले आदमी हैं। और उम्मी खानदान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला रिश्ता जो हुआ है वह हजरत उस्मान गनी के साथ। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह सआदत सिर्फ यहां तक हासिल नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर पर तशरीफ ले जा रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम की यह साहबजादी जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया थी ये बीमार हो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु यही ठहर गए, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको यही रोक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बदर में जब फतह नसीब फरमाई और आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे थे मदीना मुनव्वरा से एक मंजिल दूर, जैसे आने वालों ने सहाबे किराम की वो जमात जो फतह और कामयाबी के साथ वापस लौटी थी, मदीना से लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर में फतह की मुबारकबाद पेश कर रहे थे, ऐन उसी वक्त में मदीना मुनव्वरा से कासिद पहुंचे और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा रुकैया की वफात की खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम सीधे बकी जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकी पहुंचे तो सहाबे किराम सैयदा रुकैया की कब्र मुबारक पर मट्टी डाल रहे थे। सहाबे किराम ने अर्ज की आका आप साहबजादी का चेहरा देखना चाहें तो आप साहबजादी का चेहरा देख लें, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश होती है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप क़यामत में मिलेंगे। अब जरा मैं और आप गौर फरमाएं कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को यह भी इत्तला हो चुकी है कि काफिला मदीना पहुंचने वाला है, यह भी पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के साथ तशरीफ ला रहे हैं, मगर सहाबे किराम को इन सारी बातों से जो चीज ज्यादा अजीज है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक है कि जब मैयत के कफन दफन का इंतजाम हो जाए तो फिर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। लिहाजा आम इंसान के इंतजार नहीं, सहाबे किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतजार नहीं था।
और फिर आप अलैहिस्सलाम ने भी कब्र खोलने से मना फरमाया और फरमाया कि जन्नत में मुलाकात। और ये बात भी बड़ी अजीब है, मैं क्योंकि तारीख का एक अदना कारी हूं, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो वालदा माजदा हैं सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की, इनका जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी हजरत रुकैया मौजूद नहीं थी। हजरत रुकैया उस वक्त हबशा की जानिब हिजरत कर चुकी थी और उस वक्त हबशा की जानिब हिजरत का हुक्म था, यानी उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के वक्त हजरत रुकैया उनको ना देख सकी और आज रुकैया की वफात के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम भी उनको ना देख सके। तो जब हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने बहुत परेशान रहने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, आका एक बड़ी निस्बत थी आपसे दामादी की और वो निस्बत खत्म हो गई, और मैंने शायद पहले भी कई बार मसला जिक्र किया है, हमारा अकीदा है मसला समझना चाहिए कि जिस तरह वो औरतें जो मुख्तलिफ खानदानों से हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आ जाने से वो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत बन जाती हैं, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जिन मर्दों के निकाहों में चली जाती हैं वो मर्द भी हुजूर के अहले बैत बन जाते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान फरमा रहे हैं इस रिश्ते की वजह से आपके साथ अहले बैत होने का एक ताल्लुक था वो खत्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों से कर दिया, और दो बातें बड़ी अजीब फरमाई। एक बात तो यह फरमाई कि रुकैया का निकाह मोहम्मद करीम ने हजरत उस्मान के साथ जमीन पर किया था और उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उस्मान के साथ अल्लाह ने आसमानों पर किया। तो ये जो सआदत है हजरत उस्मान गनी की अंगूठी से बात चली थी कि हजरत उस्मान गनी ने दुआया कलीमा लिखा कि अल्लाह मुझे सआदत मंदी के साथ जिंदा रख, तो अल्लाह ने यह सआदत हजरत उस्मान गनी को नसीब फरमाई कि आप अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियां उनके निकाह में थी। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अहले बैत की बात कर रहा हूं। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत आप हजरत उस्मान गनी के मुतालिक कोई ऐसी बात इरशाद फरमाएं, कोई उनकी तारीफ में ऐसा जुमला कहें जो आम लोगों को वो सआदत हासिल ना हुई हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हां उस्मान गनी में एक खूबी ऐसी है जो अल्लाह की इस जमीन पर और किसी को हासिल नहीं हुई, और वो सआदत यह है कि हजरत उस्मान गनी के घर अल्लाह के नबी की ये के बाद दो बेटियां आई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक आने वाले किसी शख्स को यह सआदत ना पहले हासिल हुई है ना आइंदा होगी,
कि उसके घर अल्लाह के नबी की दो बेटियां हैं। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी को जिन्नूरैन भी कहा जाता है, दो नूरों वाले। और बाज ने इस जिन्नूरैन पर भी बड़ी अजीब बहस की, और हमारे लिखा है जिन्नूरैन कहने की सिर्फ एक वजह दो साहबजादियों का जमा होना नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी दो सादतों का जमा होना है। बहुत तवज्जो से बात समझे, सिर्फ दो बेटियां आपके निकाह में यह सादत नहीं, यह भी सादत है, इसके अलावा और भी सादतें हैं। मसलन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने सहाबे किराम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पहले आदमी हैं जिन्होंने अपनी बीवी के साथ हिजरत की, और हिजरत भी एक नूर है। हजरत उस्मान गनी ने क्योंकि दो मरतबा हिजरत की है इसलिए आपको जिन्नूरैन कहा जाता है। तीसरी वजह यह लिखी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दो मकाम ऐसे हैं जहां पे हजरत उस्मान गनी शरीक नहीं हुए मगर सवाब मिला। बहुत वजह से बैठे, दो जगह ऐसी हैं जहां हजरत उस्मान गनी उस नेकी में शरीक नहीं हुए मगर सवाब मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत उस्मान गनी की बीवी हजरत रुकैया हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीमार थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान तुम जिहाद में हमारे साथ शिरकत ना करो, रुकैया की खिदमत करो। तुम्हारा जो वक्त रुकैया की खिदमत में गुजरेगा तुम्हें बदर के शुरका के बराबर सवाब मिलेगा। आप शरीक नहीं हुए मगर सवाब मिला। दूसरा मौका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप उमरा के लिए निकले आपने ख्वाब देखा था कि हम अमन सुकून के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। सहाबे किराम से ख्वाब अर्ज किया, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया का इसी साल चलें। ख्वाब में यह नहीं बतलाया गया था कि आप इसी साल उमरा कर रहे हैं। सहाबे किराम तैयार हो गए और 1400 सहाबे किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अर्ज की आप भी अपने जानिसार सहाबे किराम के साथ तैयार हो गए। हुदैबिया के मकाम पर जब पहुंचे तो आपको रोक लिया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की खबर लेने के लिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप जाओ और अहले मक्का के साथ जाकर मुजाकरात करो और उन्हें बतलाओ कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे बगैर हथियारों के आ रहे हैं और वापस चले जाएंगे। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की अगर आपका हुक्म सराखों पर मगर मुझमें जरा गुस्सा ज्यादा है, मुजाकरात के लिए ज्यादा मौजू हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जो तकरीर करता हूं कोई वाकया सुनाना मेरा मकसूद नहीं होता, कुछ अकायद और नजरियात भी अर्ज करना मकसूद होता है। अब ये राय कौन दे रहा है?
सैयदना उस्मान गनी के बारे में कौन राय दे रहा है? सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। और सैयदना उस्मान गनी ने जो आहले मक्का यानी आहले कुफर के साथ मुजाकरात करने हैं, ये मुजाकरात करना किसी गैर मुस्लिम कुवत से ये सियासी मसला है या मजहबी मसला है? बहुत तवज्जो से बैठे, ये सियासी मसला है, ये मजहबी मसला नहीं है। गोया के सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी सैयदना उस्मान गनी की सियासी बसीरत को समझते हैं, तो इसलिए उनके बारे में राय कायम कर रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी बजाय कि आप यह कहते कि फारूक तुम ये मसला नहीं समझते, हम ये मसला ज्यादा समझते हैं, आप अलैहि सलातु वस्सलाम भी फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय को तस्लीम करते हुए इन मुजाकरात के लिए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाते हैं और हजरत उस्मान गनी को भेज देते। लिहाजा वो हजरात अपने नजरिए पर गौर फरमाएं जो खिलाफत राशिदा का इनकार करने के लिए खुलफाए राशिदीन की इस हुकूमत को और खिलाफत राशिदा के दौर में होने वाली इस्लामी फतवाहात को दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए ये कहा करते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम बाकी बातें तो तस्लीम करते हैं, आप बड़े नेक थे, बड़े बाहया थे, मगर उनसे कोई सियासी गलतियां हो गई थी। और माजरत के साथ हजरत उस्मान गनी को सियासत का सबक वो लोग पढ़ा रहे हैं जो सारी जिंदगी में अपने मोहल्ले के काउंसलर कभी नहीं बन सके, और उस उस्मान गनी से बात कर रहे हैं जो तीन बर्रे आजमों का फाते है, जिसने दुनिया की दो बड़ी कुफरिया, दुनिया की सबसे सुपर ताकतें रोम और फारस कैसरो किसरा को तोड़ा, जिसने दुनिया के 44 लाख रब्बा मील पर हुकूमत की, जो 22 लाख रब्बा मील का फाते है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये राय फारूक आजम दे रहे हैं कि यह मुजाकरात का मसला है, इस मुजाकरात के लिए उस्मान गनी को भेजा जाए। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु चले जाते, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचते हैं, मैं बात जिन्नुरैन पर कर रहा हूं, बात जहन में रहे, वहां पहुंचते हैं, लंबा वाकया आपने बारह सुना हो, खबर मशहूर हो जाती, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, खबर झूठी लेकिन मशहूर हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा करते, सहाबा किराम को जमा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ से उस्मान पर बैत लेते हैं। मेरे हाथ पर बैत करो, सहाबा किराम बैत करते हैं, 1400 सहाबा किराम। क्या हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हजरत उस्मान गनी के खून का बदला नहीं लें? बहुत वजह चाहूंगा, खबर झूठी है, हजरत उस्मान गनी शहीद नहीं हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे हैं। इससे मालूम हुआ आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई नहीं, जो खबर अल्लाह अपने नबी को देना चाहता है दे देता है, जो नहीं देना चाहता नहीं। सहाबा किराम बैत कर रहे हैं, नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ है,
ऊपर एक एक सहाबी अपना हाथ रखता है। थोड़ी सी इल्मी बात है, बहुत वजह करेंगे। नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ है, ऊपर हर सहाबी हाथ रख के मौत की बैत करता है कि या उस्मान गनी के खून का बदला लूंगा या मैं मर जाऊं। हजरत उस्मान गनी कहां है? मक्का मुकरमा। जब बैत हो रही है उस वक्त अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा हाथ लिया और उसको अपने नीचे वाले हाथ पे रखा और रख के फरमाया, अल्लाह ये उस्मान का हाथ है। याद है आपको बात? मैंने बात अर्ज यहां से शुरू की थी, जिन्नुरैन का एक माना यह है कि बाद जगह ऐसी हैं, दो जगह जहां हजरत उस्मान शरीक नहीं है मगर उन पर शरीक किया गया, इसलिए कि मैं तो नहीं जानता, आप तो नहीं जानते, रब तो जानता था ना कि जब कहा जाएगा कि सहाबा किराम तो रजी अल्लाह हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि उस्मान को रजी अल्लाह क्यों कहते हो, उस्मान तो बैते रिजवान में शरीक नहीं था। हुजूर ने अपना हाथ रखा, कहा उस्मान भी बैते रिजवान में शरीक। समझ रहे हैं बात? अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे। नीचे नबी का हाथ, ऊपर अल्लाह के, ऊपर सहाबा किराम के हाथ। कुरान ने वाक्य को जिक्र किया, लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनीन, अल्लाह राजी हो गया उन ईमान वालों से, इज युबायउनका तहत शजरा, जब वो आपके हाथ पर कीकर के दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। अल्लाह और हालात को भी जानता था कि कुछ लोग बाद में ये कहेंगे कि सहाबा किराम ने ऊपर ऊपर से बैत की थी, दिल से बैत नहीं की, इसलिए अगला जुमला कहा फालिमा माफी कुलूबिहिम, सहाबा किराम जब ये बैत कर रहे थे रब उनके दिलों को पढ़ रहा था। فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا, बैत हो रही है किसास उस्मान के लिए, सहाबा किराम हुजूर के हाथ पर बैत कर रहे हैं। उस वक्त में अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नल लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह, ये 1400 सहाबा आपके हाथ पर बैत नहीं कर रहे, मेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं। आगे अजीब बात कह दी, कहा यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, और इन सहाबे किराम के हाथों पर मेरा हाथ है। मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात कही, कहा यह जुमला यहां क्यों कहा गया? कहा सहाबे किराम को यह बात कह रहे थे कि हम उस्मान गनी के खून का बदला लेंगे, किसास लेंगे। अल्लाह जल्ला शानू ने बतलाया अभी उस्मान शहीद नहीं हुए, हां एक मौका आएगा जब मेरे उस्मान की लाश को मस्जिद नबवी में तड़पाया जाएगा, हां एक मौका आएगा जिस वक्त मेरे उस्मान गनी से मस्जिद नबवी का मिंबर छीना जाएगा, हां एक मौका आएगा जो मस्जिद मेरे उस्मान ने बनवाई है उसमें उसको नमाज पढ़ने से रोका जाएगा, हां एक मौका आएगा जिसमें मेरे उस्मान गनी को मदीना मनवरा में पानी नहीं पीने दिया जाएगा, उस मौका पर किसास उस्मान के लिए कुछ लोग निकलेंगे मगर उस वक्त इंतिशार का शिकार हो जाएंगे। यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, मगर उस्मान के कातिलों भूल ना जाना,
उस्मान का किसास मैं लूंगा। फिर उठाइए तारीख के औराक, एक कातिल का नाम लीजिए उस्मान गनी के, उठाइए तारीख का एक एक सफा पढ़िए, एक एक कातिल हजरत उस्मान गनी का जमीन पे जलील हुआ और जमीन की खाक छानते हुए उसकी हलाकत हुई। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मैं अपने उस्मान का बदला खुद लूं। तो मैं बात कर रहा था जिन्नुरैन का, एक माना यह भी है कि बाज मकामात ऐसे हैं जहां हजरत उस्मान शरीक नहीं थे मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको साथ शरीक किया। तो मैंने बात यहां से शुरू की थी, हजरत उस्मान गनी की अंगूठी पर लिखा हुआ था या अल्लाह मुझे सआदत बख्श बख्तों के साथ जिंदा रखना और मुझे मेरी मौत मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाना। आज की नशिस्त में हमने अर्ज किया हजरत उस्मान गनी जितनी जिंदगी जिंदा रहे सआदत के साथ जिंदा रहे। अगला जुमला आइंदा जुमे वाखिर दुआ।